ये अपने कुछ फ्रेंड लोग मिल गए हमारे सब्सक्राइबर ये लोग। और अब हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल जो कृष्ण जी का टेम्पल है और बहुत खूबसूरत है। ये आ गया सुधांशु आश्रम, यहाँ पर हम लोग कभी आएंगे ठीक है, नेक्स्ट टूर जो है रहेगा तो यहाँ अंदर का पूरा वीडियो बनाएंगे। यहाँ अंदर गुफा है वो बहुत अच्छी है, वो देखने लायक है। ये स्कॉलर मिशन स्कूल है, ये बहुत पुराना स्कूल है अंग्रेजों के जमाने का। साहब हमको छोड़ दो साहब, आप वीडियो बना रहे हो साहब, हमको छोड़ दो साहब। साहब हम नहीं है दूर, ये साहब की गाड़ी खड़ी है देखो, गाड़ी तो बंद करो। कौन सा कागज दिखाएं, गांधी जी वाला दिखाएंगे गाड़ी वाला? ये देखो ये जगह जगह पे जो है पुलिस के दलाल लगे होते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहे जब भी घूमने आए। हम लोग तो लोकल के इसलिए जानते हैं, आप लोगों को बता दे रहे हैं सकल, ध्यान से देखिए इसको आगे दिखाओ जैसा दिखा। और ये है इस्कॉन का गेट, ये आ गया है इस्कॉन का प्रांगण। हरे कृष्णा हरे हरे। अब गाड़ी पार्किंग लगाने के बाद चलते हैं हम लोग अंदर। ये है इस्कॉन टेम्पल, कानपुर की सबसे फेवरेट जगह में से एक। अच्छा ये देखो, हमारा एक फ्रेंड है, हम लोगों की राइड इतनी एडवेंचर वाली थी कि उसका पेट खराब हो गया और अभी पूरी शौचालय में गया, हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। खटखटा दिखाना अंदर, ये गौर से देखो, गौर से देखो। और ये टॉयलेट के बाहर खड़े होकर पंकज खिला रहे, मतलब लोग कंफर्म करा रहे हैं कि इसके अंदर पंकज नाम का लड़का बैठा हुआ है। एक्चुअली हम लोग ओरछा जाने वाले थे लेकिन हम लोग का रास्ते में प्लान चेंज हो गया और ये कह रहा है कि ओरछा बता के सूरजपुर लेगा, बड़ा टेंशन में है। बिना प्लान के निकल लेते हैं बस कहीं भी, बिना प्लान के नहीं, और कभी कभी अपने अपने एज के हिसाब से लेके गए। पंकज बोलता है हमसे अपनी उम्र के हिसाब से चलता है लेके। मतलब आने आने वाले सब आए लेकिन तुम कब आओगे? अच्छा अच्छा, तुमने रास्ते में कुछ खाने के लिए बोला था, क्या बोला वो? अभी बोल देते हैं। अच्छा पानी दो यार, बोला छोड़ा रुको यार, बड़ी सीढ़ी चढ़ा, हमें मालूम क्या लगा जूता उठा उतारने के लिए रखने के लिए होगा, फिर जब ऊपर नजर मुझे अरे कैसा महसूस कर रहे हो? यही है वो लड़का, यही है वो लड़का। कैसा फील कर रहे हो आप? बेल्ट की देखो सबके हाथ में लगाई सल्फ्यूरिक एसिड बन गई ना, बंद था अपनी कोल्ड ड्रिंक को खोल दो पूरी। चलो फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ और आ चुके हैं भाई, हमारे बस लोग अब आगे चलते हैं। पंडित उधर कहाँ जा रहे हो? मतलब वहाँ से आ गया तो आज जूता लेने। ये जूता घर है, यहाँ पे भी सब लोग अपने अपने जूते उतारेंगे। ये टोकन मिलता है जूते रखने पे। आप
अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर गार्डन में, क्योंकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और सेल्फी लेना मना है, तो वहाँ पर भगवान के दर्शन हो गए हम लोगों को। ये हैं प्रभुपाद महाराज जी, ये लोगों को जागरूक करने के लिए वैन चलाई जाती है सिटी में। इधर गौशाला भी बनी हुई है, बहुत पहले हम आए थे तब बनी थी, इस समय देखते हैं हाँ गाय लोग हैं या नहीं। हाँ है गाय लोग हैं, आओ। यहाँ की जो गाय होती है उनके सींग बहुत हैवी होती हैं, अभी अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये हैं बलराम, इसीलिए गाय को माता बोलते हैं, गाय बहुत सीधी होती हैं। बच्चा ये किस प्रजाति की गाय हैं? गिरी। ये कहाँ पे से आती हैं सब गायें? अच्छा गुजरात से आती हैं, ये सारी गिर प्रजाति की गाय हैं और ये गुजरात से यहाँ पर लाई गई हैं जी, द्वारिकाधीश जहाँ रहते हैं हमारे। नहीं लड़ाई नहीं करते हैं। खेल रहे हैं दोनों। चलो गाय देखे, तुम लोग बैल देखने गए थे? गाय देखे, बैल देखे, सांड भी देखी हम लोग। ऐसे ही लगता है उधर बना देना अपने जाके। अरे भाई साहब सामने सुनिए जरा। हाँ आप भी आएंगे। अपना भाई। तुम वही हो ना? हाँ वही। ये अपने कुछ फ्रेंड लोग मिल गए, हमारे सब्सक्राइबर हैं लोग। जो फोटो खींचता है हम लोग बगल में। और ये देखिए यहाँ इस्कॉन मंदिर में जो है बाबा की बुलडोजर भी खड़ी है। अरे भाई साहब थोड़ा सा आगे सड़िए जरा। क्या यार कभी फोटो नहीं खिंचवाया? हटो, बाबा की जैसे भी पीछे खड़ी है। अरे यार ये बदतमीज लोग कहाँ से आ गए? झंडा दिखाते हैं। अंकल जी साथ में। अरे हमारे अमित भाई यार, तो अब इस समय सब एकदम भूखे हैं, तो हम लोग आए यादव वेज कॉर्नर पर, यहाँ कुछ खाएंगे और फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे सीधा घर। तो सबसे पहले हम लोग गए खेलेश्वर धाम, उसके बाद सरैया घाट और फिर उधर से लौटते समय इस्कॉन टेम्पल। तो आज हम लोग बहुत थके हुए हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।